गाइस, आप सब कैसे हो? और ये हम उठ के बनाने लग गए हैं गाइस घड़ी। तो घड़ी हमने चमक दी है, तो इसको थोड़ी देर हिलाना पड़ेगा गाइस, जब तक उबाला नहीं आता है। उसके बाद अपन इसको छोड़ देंगे, जो बनती रहेगी धीरे 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 मंदी मंदी आंच पे। और ये देखिए गाइस, मैंने आटा भी लगा लिया है। तो आज मैं उठ गई थी थोड़ा सा टाइम से ही, क्योंकि कल मैं लेट हो गई थी, बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। तो कल पता नहीं 4 बजे लाइट आई, उसके बाद सो गई तो अलार्म नहीं बजा, पता नहीं क्यों नहीं बजा, या बच्चों ने बंद कर दिया। तो 8:30 बजे जा गई, तो 8:30 बजे उठ के क्या काम कर सकते हैं? कोई काम नहीं हो सकता गैस। 9 बजे तो मुझे नहा धो के निकलना पड़ता है 9:30 तक, तो आधे घंटे में तो कोई काम होएगा ही नहीं गैस। और खाना पकाना तो ये समझ लो कि 1-1.5 घंटे का काम है, क्योंकि किचन भी साफ करोगे, आटा भी छानोगे, गूंदोगे, रोटी भी बनाओगे, बर्तन भी साफ करोगे, सब्जी काटोगे बनाओगे, तो बहुत सारा टाइम निकल जाता है उसमें ही। कुछ बच्चे के फाले हुए थे तो वो अच्छे से खा ही नहीं सकता था, इसलिए कल तो चल गया था। पर आज मैं जल्दी से उठ गई, मैं मेरे बच्चे भूखे नहीं रहने चाहिए, और भी कुछ भी हो जाए चाहिए। फटाफट से बना देती हूँ, ये देखिए। तो चलिए गाइस, बने रही है मेरे ब्लॉग में कढ़ी, मेरी बन रही है, फिर बनाएंगे रोटियां और फिर बनाएंगे गाइस चाय। तो गाइस चाय हमने पी ली है, बर्तन अभी साफ करने बाकी हैं, ये पड़े हैं, और किचन हमने बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया है, और रोटियां भी बना ली है, और मैंने मेरा टिफिन भी गाइस ये डाल लिया है। इसमें मैंने कढ़ी डाली है और इसमें मैंने रोटियां डाल ली है। तो गाइस अभी जा रही हूँ मैं नहाने के लिए, और इतने बच्चे चाय पी लेंगे, तो उसके बाद मैं बर्तन धो लूँगी, क्योंकि पहले नहा लेती हूँ। तो गाइस हम नहा धो के हो गए हैं रेडी, तो कैसे लग रहे हैं? और हमने डाल लिया है गाइस पानी की बोतल में, 2 गाइस पानी की बोतल लेके जाती हूँ, एक लीटर की और 1-2 लीटर की। मैं 2.5 लीटर पानी पी जाती हूँ, और गर्मी इतनी है गाइस। और मैंने खाना भी डाल लिया है, और ये गाइस बिजली का बिल भी आ चुका है, 5,000 रुपया बिल आया है गाइस। एसी बंद ही नहीं होती है, दिन रात चलती है, तो इसलिए आया है 5,000 रुपया बिल 1 महीने का गाइस। कैसे जिए आम इंसान, बताए आप, कितने बिजली का बिल ही भर देगा? 10,000 तो अगले की सैलरी होती है, 5,000 बिल भर दे, अब खाएगा क्या फिर? तो बिजली का बिल भी भरना है गाइस, बहुत ज़्यादा आ गया, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। कुछ बच्चों की छुट्टी है, तो दिन रात बच्चे कमरे में ही रहते हैं, तो जाहिर सी बात है एसी तो चलनी है। अब रात को तो मैं चलाती हूँ, और दिन में बच्चे चलाएंगे भाई, गर्मी ज़्यादा है, तो इसलिए 5,000 रुपया बिल आया है गाइस 1 महीने का, पहले 2-2 महीने में तो आता था। तो चलिए गाइस चलते हैं ऑफिस में। 6 बज गई है गाइस, तो हम जा रहे हैं सब्जी मंडी में सब्जी लेने, और ये देखो कितने सारे कपड़े। और 1 किलो आलू और लहसुन दे दो, और टमाटर दे दो,
गाइस हम पहुंच गए हैं घर पे और घर पे आने आते ही बना रहे हम चाय। अभी चाय पियेंगे और थोड़ी सी गाइस लेके आई मैं सब्जी। सब्जी मंडी गई थी क्योंकि संडे को भी नहीं मिली सब्जी और सोमवार को भी नहीं मिली, तो आज लेके आई हूँ। पिचक जाते हैं गाइस टमाटर, ये देखिए अच्छे भले टमाटर दिए थे उसने टाइट टाइट, पर ये पिचक गए हैं। वो आलू प्याज ले गया है ना उसके चक्कर में पिचक गए ये। तो अभी बना लेते हैं गाइस चाय। दूध लेने गया है बच्चा, दूध नहीं था घर पे, रोज दूध लेके आना पड़ता है रोज का रोज, नहीं तो ज़्यादा ले आए तो गाइस फट जाता है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, फट जाता है। चाय तो बल गई, अभी तक आया नहीं है दूध लेके, तो थोड़ी सी खा लेंगे थोड़ा सा बाकी था, रोटियां भी पड़ी हैं, पता नहीं क्या खाते हैं क्या। चलो आ गया है दूध, तो बनाते हैं गाइस चाय। तो ये आ गया हमारा गाइस दूध, 50 रुपये का इतना सा दूध मिलता है पर दूध अच्छा है गाइस। पहले घर पे देखी जाती थी वो तो सरों में दूध बांधना होता था तब तो सही दिया, उसके बाद थोड़ा सा मुझे ऐसे लगा पानी ज़्यादा डालती है नहीं बताती है। दूध वैसे अच्छा है इसका, ऐसी बात है। यहाँ घर पे आराम नहीं मिलता है और ऑफिस में कुर्सियों पर बैठे बैठे थक जाते हैं। कितना बड़ा दिन होता, बहुत बड़ा दिन होता है गाइस। घर में तो क्या है, कभी बर्तन धोए, कभी पानी पिया, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, तो टाइम को पता ही नहीं चलता है। कभी सो गए, कभी लेट गए, कभी टीवी देख लिया, वहाँ बैठे बैठे थक जाते हैं गाइस। और इतने सारे बर्तन हो गए हैं, देखिए बच्चों ने मेरे जाने के बाद दोबारा से चाय पी है। छोटे वाला एक को मैं सुता ही छोड़ के चली गई थी, सो रहा था मैं गई थी तब, और इनने दोपहर में चाय पी है और खाना भी खाया, तो बहुत सारे बर्तन हो गए। अब ये चाय तो एक साथ ही धो देंगे गाइस बर्तनों को। हमारी चाय उबल रही है, काली मिर्च खत्म हो गई गाइस। चाय में डालती हूँ मैं काली मिर्च और क्या बोलते हैं इलायची, तो इलायची तो थी, काली मिर्च खत्म हो चुकी है, तो आज खाली इलायची की चाय पियेंगे गाइस। करते हैं ब्लॉग को यहीं पे एंड। अगर गाइस मेरा ब्लॉग पसंद है तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस आपको अगले ब्लॉग में, तब तक बाय गाइस।